डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास सिक्स का हिंदी बुक है, चैप्टर 16, और इस चैप्टर का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति है, उसके नाम से ये चैप्टर दिया गया है, और उसके साथ क्या घटनाएं घटी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, तो चलिए हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। इंग्लैंड के उत्तरी भाग में एक प्रसिद्ध नगर है यॉर्क। बहुत वर्ष बीते वहाँ एक धनी व्यापारी रहता था। उसके तीन पुत्र थे, इनमें सबसे छोटे का नाम रॉबिन्सन क्रूसो था। वह बालक बड़ा साहसी था, साहसपूर्ण यात्राओं की कहानियाँ पढ़ने में उसे बड़ा आनंद आता था। उसके हृदय में नाविक बनने की तीव्र अभिलाषा थी, परंतु उसके पिता उसे समुद्र यात्रा की अनुमति नहीं देते थे। यहाँ पे रॉबिन क्रूसो के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंग्लैंड में एक जगह यॉर्क था, वहाँ पर रहता था, और उन लोग तीन भाई थे। रॉबिन क्रूसो सबसे छोटा था। वह समुद्री यात्रा की कहानियां पढ़ा करता था और एक नाविक बनने की इच्छा रखता था, लेकिन उसके पिता समुद्री यात्रा पे उसको जाने नहीं देते थे, उसकी आज्ञा वो नहीं देते थे। एक बार की बात है, एक दिन क्रूसो के पिता के एक मित्र उनसे मिलने आए। वे एक जहाज़ के कप्तान थे। उनके साथ क्रूसो की आयु का ही उनका पुत्र भी था। दोनों बालकों में शीघ्र मित्रता हो गई। उसने क्रूसो को बताया कि समुद्र यात्रा जैसा आनंद और कहीं नहीं मिल सकता। इसमें नए नए देश और अनोखी चीज़ें देखने को मिलती है। यह सुनकर क्रूसो के मन में समुद्र यात्रा करने की इच्छा तीव्र हो उठी। उसने कप्तान के पुत्र से कहा, मैं भी दूर देशों की यात्रा करना चाहता हूँ। जो चाहता था क्रूसो, अब उसके साथ उसी प्रकार की घटनाएं घट रही है। उसके पिता का एक मित्र उनसे मिलने के लिए जब आए, तो वो खुद एक नाविक थे, एक कप्तान थे, और उसका पुत्र भी था। वो अक्सर जाया करता था अपने पिता के साथ। तो उसने क्रूसो को बतलाया कि समुद्री यात्रा जैसी आनंददायक चीज़ें और कहीं नहीं हैं। तो ये सब सारी बातें सुनकर क्रूसो के मन में समुद्र यात्रा करने की काफ़ी तीव्र इच्छा हो गया, और उसने कहा कि मैं भी ऐसा चाहता हूँ, मैं भी समुद्री यात्रा करूँ। यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो फाइनली जो है क्रूसो समुद्री यात्रा के लिए निकल गया था अपने पिता से अनुमति लिए बिना। तो यहाँ आगे कहानी दिया हुआ है। कप्तान के पुत्र ने क्रूसो को बताया कि अगले शनिवार को हमारा जहाज़ दक्षिण अमेरिका जाने वाला है। क्रूसो ने पिता से इस यात्रा पर जाने की अनुमति चाही, पर उसके पिता ने समुद्री यात्रा की कठिनाइयां बताकर जाने से रोक दिया। तो उसके पिता को पता था कि समुद्री यात्रा में किस तरह की समस्याएं हो सकती है, इसीलिए वह क्रूसो को जाने के लिए नहीं देता था, उसकी अनुमति उसे नहीं देता था। लेकिन कप्तान के पुत्र ने उसे बताया कि अगले शनिवार को हमारा जहाज़ दक्षिण अमेरिका जाने वाला है। क्रूसो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया और घर में किसी को बताए बिना शनिवार को जहाज़ पर पहुंच गया। कप्तान और उसके पुत्र ने समझा कि बालक अपने पिता की अनुमति लेकर ही जहाज़ पर आया है। तो फाइनली जो है क्रूसो किसी को घर में बताए बिना वह निकल जाता है समुद्री यात्रा पर। उन लोग को समझ में आता है कि ज़रूर अपने पिताजी से ये आज्ञा लेके ही आया होगा, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्रूसो ने जहाज़ में अमेरिका तथा अन्य देशों की यात्रा की। रास्ते में उसने तरह तरह के पशु पक्षी देखे। कहीं कहीं मनुष्यों का रंग उसके देशवासियों की भांति गोरा न था, कुछ काले थे और कुछ सांवले। वे प्रायः नग्न रहते थे। क्रूसो को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कुछ द्वीपों के निवासी नरभक्षी भी थे। यहाँ पे जब वह निकल गया समुद्री यात्रा पर, तो कई सारी चीज़ों को उसने देखा रास्ते में, अलग अलग पशु पक्षी देखा, उसके बाद अलग अलग लोगों को देखा। कुछ लोग काले थे, कुछ गोरे थे, और कुछ इस तरह से पत्ते पहन के, जैसे आदिवासी लोग या जो आदि मानव लोग रहते थे, इस तरह से नग्न रहा करते थे। क्रूसो को यह देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग मनुष्यों को भी मारकर खाते थे। कुछ द्वीपों में रहने वाले लोग, नरभक्षी मतलब होता है मनुष्यों को मारकर खाने वाले लोग। एक बार जब क्रूसो जहाज़ में दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर जा रहा था, तो रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। ऊँची ऊँची लहरें जहाज़ से टकराने लगी। कप्तान ने कहा, मुझे भय है कि जहाज़ शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए शीघ्र एक नाव समुद्र में उतारो जिससे हम सब डूबने से बच सकें। तो वहाँ पे इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, और वैसा ही हुआ। एक बार जो है दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर उन लोग जा रहे थे, तभी तूफान आ गया, समुद्र में भयंकर तूफान आ गया, बहुत तेज। उसमें बहुत सारी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है, तो ऊंची ऊंची लहरें जो है जहाज़ से टकराने लगी, और उसके कप्तान ने संभावना जताते हुए कहा कि निश्चित ही बहुत जल्द ये जहाज़ का टुकड़े टुकड़े हो सकता है, इसीलिए बचने के लिए हम लोग इससे एक छोटा नाव उतारते हैं पानी में और किसी तरह बचने का प्रयास करते हैं। नाव उतारी गई और सब उसमें बैठ गए। नाव कुछ दूर ही गई होगी कि एक तेज लहर उससे टकराई और नाव उलट गई। लोग समुद्र में डूबने उतरने लगे। क्रूसो को तैरने आता था, वह तैरने लगा।
एक बड़ी लहर ने उसे एक टापू के तट पर पटक दिया। अचेत अवस्था में वह वहां बहुत देर तक पड़ा रहा। चेतना आने पर वह किसी तरह उठा और एक पहाड़ी पर चढ़ गया। यहाँ पे इस तरह की घटना हो सकती है। नाव को तो लिया गया, नाव नीचे उतारा गया और उसमें जितने भी लोग थे सब के सब उसमें बैठ गए, लेकिन इतनी तेज लहर चल रही थी कि इतने बड़े जहाज़ को वो डुबाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर जो छोटा सा नाव कहाँ से टिक सकेगा। तो फाइनली जो है एक बहुत बड़ा लहर आया और उसमें नाव उलट गया, सारे लोग डूबने लगे, मतलब डूब ही गए। तो क्रूसो को तैरने के लिए आता था और तैरते तैरते वह किनारे पर आने का प्रयास करता रहा और एक ऐसा लहर आया जो एक टापू के किनारे पर उसको लाकर पटक दिया। तो उस लहर से वह अचेत हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है और काफ़ी देर तक उसी तरह पड़ा रहता है। जब उसको होश आता है तो वह उठता है किसी तरह और एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है। उसने अपने साथियों का पता लगाने के लिए चारों ओर दृष्टि घुमाई पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्रूसो ने समझ लिया कि उसके सब साथी डूब गए हैं। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया, वह भूखा था और थककर चूर हो गया था, उसे नींद आ रही थी। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और एक मोटी डाल के सहारे विश्राम करने लगा। वह पहाड़ी पर इसलिए चढ़ गया क्योंकि वह अपने साथियों को ढूंढना चाहता था। तो सभी ओर अपना नज़र घुमाकर देखा लेकिन कहीं भी उसके साथी नहीं थे। तो वह समझ गया कि उसके जितने भी साथी थे वो सारे डूब गए पानी में। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा देर बाद जो अंधेरा हो जाता है और उसको काफ़ी भूख भी लगा हुआ रहता है क्योंकि वहाँ पर कुछ खाने के लिए था नहीं, और वह थक कर चूर भी हो गया था क्योंकि तैराकी करना भी काफ़ी थकावट वाला काम होता है। तो थकावट की वजह से उसे काफ़ी नींद आ रहा था और एक बड़े से पेड़ के मोटी डाल पर वह चढ़कर आराम करने लगा, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर भी आ सकते हैं, इसीलिए पेड़ पर वहाँ पर चढ़ के आराम करना चाहिए। जब क्रूसो की आँखें खुली तो उसने देखा कि चारों ओर सूर्य का सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है और अब समुद्र भी शांत है। वृक्ष से उतर कर वह समुद्र तट की ओर चला। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाज समुद्र तट के थोड़ी ही दूर पर टूटा पड़ा। कपड़े उतार कर वह जल में कूद पड़ा और तैरता हुआ वह जहाज के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि जहाज का ऊपरी भाग बिल्कुल सूखा है, उसमें खाद्य सामग्री भरी हुई थी। क्रूसो ने भोजन सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं तट पर ले जाने का निश्चय किया। उसने लकड़ी के 3-4 तख्ते निकाले और उसे बांधकर एक छोटा सा बेड़ा बना लिया। उस पर उसने गेहूँ, चावल, बिस्कुट, वस्त्र, बंदूक, कारतूस, हथौड़ी, कीले आदि बहुत सी सामग्री रख ली और बेड़े को समुद्र तट की ओर ले आया। तो यहाँ पे जब उसे पता चल गया कि सारे लोग डूब चुके हैं तो वह पेड़ पे आराम करते हुए रात बिताया और जब उठा तो दिन हो चुका था। फिर वह आगे बढ़कर देखा समुद्र की ओर, तो उसे थोड़ी दूर पर उसी का जहाज जो है, बड़ा जहाज, वो टूटा हुआ मिला। तो वह वहाँ पे नज़दीक में कपड़े उतार कर वहाँ पहुँचा तैर के। उसके बाद वहाँ देखा कि काफ़ी सारी खाने की चीज़ें वहाँ पे बचा हुआ था, तो वहाँ पे उसको खाने के लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं था, इसीलिए उन चीज़ों को किसी तरह से वह समुद्र से राफ्ट बना के, बेड़ा बना के जो है और तट पर ले आया। इसमें और कई सारी चीज़ें थी, खाने की चीज़ें थी और कपड़े थे, बंदूक थे, हथौड़ी, कील, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन सारी चीज़ों को वह टापू पर ले आया। उसने एक वृक्ष के नीचे जहाज के पाल का तंबू तानकर डेरा बना लिया। उसी में उसने जहाज से लाया हुआ सभी सामान रख दिया। उसने वहाँ पर रहने का व्यवस्था किया। जहाज में जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं उसको लिया और उसको उसने तंबू बना लिया और उस तंबू में सारा सामान रख लिया। क्रूसो इस अंजाम द्वीप में 3 सितंबर 1659 ईस्वी को पहुँचा था। उसे भय था कि द्वीप के एकांतवास में वह कहीं तारीखों का क्रम ना भूल जाए, इसलिए उसने लकड़ी के एक तख्ते पर उस द्वीप में अपने आने की तारीख लिखकर टांग दी। उसके नीचे वह, तो यहाँ पे क्रूसो जिस द्वीप में पहुँचा था तो अकेले था वो, वहाँ पे और कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो इसकी वजह से वो समय तारीख को भूल सकता था, इसीलिए उसने एक तख्ते पर तारीख लिख कर रख दिया कि वह किस तारीख को आया था और इसको जो है तारीख को मेंटेन करते गया, हर दिन तारीख लिखते जाता था, इससे वो तारीख को याद रखने में उसको आसानी होगा। यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि क्रूसो उस जगह पे, उस द्वीप में कितने सालों तक फंसा रहा और उसकी उम्र जो है काफ़ी बढ़ गई थी, कई सालों तक वो वहीं पे था। तो यहाँ पे कहानी आगे दिया हुआ है, हर दिन एक छोटा सा चिन्ह लगाने लगा, रविवार के लिए 7वां चिन्ह कुछ बड़ा होता, एक महीना बीतने पर वह एक रेखा खींच देता। इस तरह से वो कैलेंडर जो बनाया था उसको मेंटेन करता गया, हर दिन के लिए चिन्ह लगाने लगा, रविवार के लिए थोड़ा सा बड़ा चिन्ह लगाता था और महीना बीतने पर वह एक लाइन खींच देता था। एक दिन क्रूसो ने देखा कि जो अनाज वह जहाज से उठाकर लाया था वह 3-4 महीने तक ही चल सकता था।
उसने विचार किया कि बिना खेती के काम न चलेगा, अतः उसने खेती के लिए उपयुक्त स्थान की खोज की। जहाज से लाया हुआ अनाज कुछ ही महीनों तक चल सकता था, इसके बाद समाप्त हो जाता, तो ऐसी स्थिति में उसे भूखा रहना पड़ता और भूखा रहने के कारण उसकी जान भी जा सकती थी। तो इसीलिए उसने विचार किया कि खेती अगर ना करे तो उसका काम नहीं चलेगा। तो उसने खेती के लिए उपयुक्त स्थान भी खोज लिया। धीरे धीरे क्रूसो ने खेती के लिए थोड़ी भूमि तैयार कर ली और उसमें गेहूँ बो दिया। उसने सिंचाई के लिए झरने से खेत तक खोद कर नाली बनाई। कुछ ही महीनों में गेहूँ की अच्छी फसल तैयार हो गई। उस तरह से खेती का जो उपयुक्त वातावरण बनाया जा सकता था उसने बनाया और खेती तैयार हो गया और फसल भी उसमें अच्छा लग गया। निर्जन द्वीप में रहते हुए क्रूसो को कई वर्ष बीत गए। उसकी दाढ़ी और सिर के बाल बहुत बड़े हो गए। उसके कपड़े कभी के फट चुके थे। वह जंगली बकरियों की खाल के कपड़े पहनने लगा। तो इस तरह से अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो फाइनली जो है आपको उन सारी चीज़ों को करना पड़ता है जो वहाँ पे मुमकिन हो, जो संभव हो। तो सारे कपड़े उसके फट चुके थे, काफ़ी समय बीत चुका था, जिसके कारण वह जानवरों के खाल पहनता था जैसे कि आदिमानव पहले पहना करते थे। एक दिन उसे अपने घर से कुछ दूरी पर धुआं सा उठता दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस ओर चला। वहां उसने देखा कि आग के चारों ओर बैठे हुए लोग एक बर्तन में कुछ पका रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं। पास में ही दो आदमी पड़े हैं और उनके हाथ पैर बंधे हैं। नाचने वालों में से एक आदमी ने उनके सिर पर गदा मारी और एक आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दूसरा आदमी किसी तरह भाग निकला। वह क्रूसो के पास आकर उसके चरणों में गिर पड़ा। क्रूसो ने नाचने वालों को गोली मार कर गिरा दिया। यहाँ पे जिस प्रकार से उसने कई सारे द्वीपों में देखा था नरभक्षी लोगों को, तो यहाँ पे वही कहानी है। वहाँ भी नरभक्षी लोग थे। तो दो आदमी को उन लोगों ने बांध रखा था और उन लोग बर्तन में कुछ पका रहे थे, मतलब मनुष्य का ही मांस पका रहे होंगे। और दो आदमी को जो बांध रखा था और उन लोग कुछ लोग नाच रहे थे, तो उसमें से एक आदमी को मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है उसको पकाने के लिए। तो दूसरा आदमी किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है और क्रूसो के पास पहुँच जाता है। उसके चरणों में गिर पड़ता है, मतलब वह मदद मांगता है। क्रूसो के पास बंदूकें थी, इसीलिए वह बंदूक से सभी को गोली मारकर वहाँ पे ख़त्म कर देता है। क्रूसो ने अपने पैरों पर पड़े उस जंगली युवक को उठाया। जंगली युवक ने क्रूसो से कुछ कहा पर क्रूसो उसकी बात बिल्कुल नहीं समझ सका। फिर भी क्रूसो को उसकी बोली सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि उस निर्जन द्वीप में वर्षों से उसने अपनी बोली के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य की बोली नहीं सुनी थी। क्रूसो ने उसका नाम फ्राइडे रखा, क्योंकि वह फ्राइडे शुक्रवार के दिन ही क्रूसो को मिला था। तो उस जंगली युवक को वह बचा लेता है और जंगली युवक कुछ बोला होगा, थैंक यू, धन्यवाद, लेकिन क्रूसो को कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि उसका भाषा कुछ अलग था और क्रूसो इंग्लैंड से था, वो अंग्रेज़ी समझता था। लेकिन उसकी आवाज़ को सुनकर वो काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि इतने वर्षों तक वह सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनता था, क्योंकि खुद ही बोलता था और खुद सुनता था, वहाँ लोग तो थे नहीं। तो उसकी आवाज़ को सुनकर वो काफ़ी खुश हुआ और उसका नाम जो है फ्राइडे रख दिया, क्योंकि वो फ्राइडे के दिन ही उसको मिला था। एक दिन अचानक क्रूसो ने द्वीप के पास ही लंगर डालते हुए जहाज़ को देखा। जहाज पर लगे झंडे से वह जान गया कि यह अंग्रेजी जहाज़ है। जहाज के कप्तान और नाविकों में लड़ाई हो गई थी। नाविकों ने कप्तान के हाथ पैर बांध दिए और उसे तट पर छोड़कर घूमने निकल गए। क्रूसो और फ्राइडे ने कप्तान को बंधन मुक्त किया और उसकी पूरी कथा सुनी। क्रूसो ने नाविकों के लौटने पर उन्हें अपनी बंदूक से मार डाला। जहाज का कप्तान क्रूसो का बहुत कृतज्ञ हुआ। वह क्रूसो और फ्राइडे को अपने साथ इंग्लैंड ले जाने के लिए तैयार हो गया। 6 मास की यात्रा के बाद उनका जहाज इंग्लैंड पहुंचा। अपने देश की पवित्र भूमि पर पहुंचकर क्रूसो के हर्ष का ठिकाना ना रहा। फ्राइडे के साथ उसने अपना शेष जीवन आनंद से बिताया। तो जब फ्राइडे उसको मिला था तो वह फ्राइडे के साथ वहाँ पर रहने लगा। और एक दिन क्या हुआ कि एक जहाज को देखा और जो अपनी लंगर को बना रहा था, लंगर जो है उसमें बदलाव किया जाता है हवा के अनुसार, तो वह लंगर डालते हुए देखा और उसमें लगा हुआ झंडा को देखा। वह अंग्रेजी झंडा था इंग्लैंड का, तो वह समझ गया कि उसी के देश का ये झंडा है। लेकिन वहाँ पे जो कप्तान था और नाविक, उन दोनों के बीच जो है झगड़ा हो गया। तो कई सारे नाविक थे तो कप्तान को हाथ पैर बांध दिया और वहाँ पे उसको छोड़कर उन लोग तट पर घूमने के लिए निकल गया। क्रूसो और फ्राइडे ये सारी चीज़ें देख रहे थे तो उन लोगों ने कप्तान को बंधन मुक्त कर दिया, मतलब उसकी रस्सियाँ खोल दिया। और क्या घटना घटी थी इसके बारे में उस कप्तान ने उन लोगों को बतलाया। उन लोग उसकी कहानी सुने और फिर वहाँ पे इंतज़ार करते रहे उन लोगों का आने का। क्रूसो के पास, उसके पास जो पहले की बंदूकें थी वह उसके पास था ही, तो उन लोग जब लौटे तो बंदूकों से उन लोगों को मार डाला। और
कप्तान जो था उन लोगों को उसके देश वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया। तो अंततः जब उन लोग वहाँ से यात्रा पे चले तो 6 महीने की यात्रा के बाद उन लोग अपने देश पहुँच गए और क्रूसो को अपने देश पहुँच कर काफ़ी खुशी हुआ, क्योंकि इतने साल बाद अपना देश कोई पहुँचे तो बहुत ही खुशी होती है। और उसके घर वाले इतने दिनों तक जरूर सोच रहे होंगे कि वो अब नहीं रहा होगा, लेकिन इतने दिनों बाद पहुंचकर काफ़ी खुश हुआ और फ्राइडे उसके साथ था और बचा हुआ जीवन उसने फ्राइडे के साथ ही बिताया। और यहाँ पे यह कहानी समाप्त हो गया है। तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है और शब्दार्थ कुछ कम नहीं है इसमें, जो है आप लोगों को पढ़कर इसको याद कर लेना है। और इसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ है क्वेश्चंस भी कम नहीं है, 11 क्वेश्चन है। और इसके आगे जो है सोचो और बतलाओ, इसमें भी कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्रूसो ने देश के लिए थोड़ी भूमि तैयार कर ली, तो यहाँ खेती हो जाएगा। क्रूसो ने देखा देश के चारों ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा आग, आग के चारों ओर बैठे हुए लोग बर्तन में कुछ पका रहे हैं। देश के लिए 7वां चिन्ह कुछ बड़ा होता, तो रविवार के लिए 7वां चिन्ह कुछ बड़ा होता। क्रूसो के चारों ओर सूर्य का सुनहरा प्रकाश फैला हुआ था और देश आने पर क्रूसो एक पहाड़ी पर चढ़ गया। चेतना आने पर क्रूसो एक पहाड़ी पर चढ़ गया। यह है चैप्टर 16 का क्वेश्चन आंसर। रॉबिन्सन क्रूसो के मन में बचपन से ही कौन सी तीव्र अभिलाषा थी? रॉबिन्सन क्रूसो के मन में बचपन से ही नाविक बनने की तीव्र अभिलाषा थी। उसकी यह अभिलाषा किस प्रकार पूरी हुई? एक दिन क्रूसो के पिता के एक मित्र उनसे मिलने आए। वे एक जहाज के कप्तान थे, उसके साथ उसका पुत्र भी था, जिसने क्रूसो को बताया कि समुद्र यात्रा जैसा आनंद और कहीं नहीं है। यह सुनकर क्रूसो के मन की इच्छा और तीव्र हो गई। क्रूसो ने पिता से आज्ञा लिए बिना उन लोगों के साथ समुद्र यात्रा पर निकल गया। यात्रा में क्रूसो को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? यात्रा में क्रूसो को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ द्वीपों के निवासी नरभक्षी भी थे। दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका जाते समय मार्ग में क्या घटना घट गई? दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका जाते समय भयंकर तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकराने लगी। डूबने से बचने के लिए एक नाव समुद्र में उतारी गई। वह नाव भी समुद्री लहर से टकराकर पलट गई। सभी डूब गए, परंतु क्रूसो तैरकर किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। क्रूसो को कैसे पता चला कि उसके साथी पानी में डूब गए हैं? क्रूसो ने अपने साथियों का पता लगाने का प्रयास किया, परंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। अब उसने समझ लिया कि उसके सब साथी डूब गए हैं। उसने टापू पर रहने का प्रबंध इस प्रकार किया। क्रूसो ने एक वृक्ष के नीचे जहाज के पाल का तंबू तानकर बना लिया। उसमें जहाज से लाया हुआ खाद्य सामग्री रख लिया। क्रूसो को खेती करना क्यों आवश्यक लगा? एक दिन क्रूसो ने देखा कि जो अनाज वह जहाज से उठाकर लाया था वह 3-4 महीने तक ही चल सकता था। उसे लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ सकता था, इसलिए उसे खेती करना आवश्यक लगा। क्रूसो ने तारीखों का क्रम बनाए रखने के लिए क्या उपाय किया? क्रूसो को अनजान द्वीप में भय था कि वह तारीखों का क्रम न भूल जाए, इसलिए उसने लकड़ी के एक तख्ते पर उस द्वीप में अपने आने की तारीख लिखकर टांग दी। इस तख्ते पर वह प्रत्येक दिन का तारीख लिखता गया। काफ़ी दिन निर्जन टापू पर बिताकर एक दिन क्रूसो ने क्या देखा? काफ़ी दिन निर्जन टापू पर रह रहे क्रूसो ने एक दिन देखा कुछ दूरी पर धुआं सा उठ रहा है। वहां उसने देखा कि आग के चारों ओर बैठे हुए लोग एक बर्तन में कुछ पका रहे थे। कुछ लोग नाच रहे थे। पास में 2 आदमी के हाथ पैर बंधे हुए थे। नाचने वालों ने एक आदमी को मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूसरा आदमी किसी तरह भाग निकला और क्रूसो के चरणों में गिर पड़ा। क्रूसो ने नाचने वालों को गोली मारकर गिरा दिया। क्रूसो ने किसका नाम फ्राइडे रखा और क्यों? क्रूसो ने जिस जंगली युवक की जान बचाई थी उसका नाम फ्राइडे रखा, क्योंकि वह फ्राइडे के दिन ही उसे मिला था। क्रूसो किस प्रकार अपने देश वापस पहुंचा? एक दिन क्रूसो ने द्वीप के पास ही लंगर डालते हुए एक जहाज को देखा। जहाज में लगे झंडे को देखकर वह जान गया कि यह अंग्रेजी जहाज है। जहाज के कप्तान और नाविकों में झगड़ा हो गया। नाविकों ने कप्तान के हाथ पैर बांध दिए और उसे तट पर छोड़कर घूमने निकल गए। क्रूसो ने कप्तान को बंधन मुक्त किया और नाविकों को मार डाला। कप्तान ने क्रूसो और फ्राइडे को अपने साथ इंग्लैंड ले आया। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सोचो और बतलाओ दिया गया है।
क्रूसो के चरित्र में आपको कौन कौन गुण प्रतीत होते हैं? क्रूसो के चरित्र में साहस, बुद्धि, बल, दृढ़ता, आत्मविश्वास आदि गुण प्रतीत होते हैं। इन गुणों के आधार पर रॉबिन्सन क्रूसो का चरित्र चित्रण करो। रॉबिन्सन क्रूसो एक बड़ा ही साहसी बालक था। उसके अंदर समुद्री यात्रा की तीव्र इच्छा थी। यद्यपि उसके पिता ने उसे अनुमति नहीं दिया, फिर भी वह समुद्री यात्रा पर निकल गया। उसकी इच्छा पूरी हुई, परंतु उसका जहाज तूफान में फंसकर डूब गया और सभी यात्री मारे गए। क्रूसो में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत ताकत थी। वह एक द्वीप में फंस गया। वहाँ वह खेती करने लगा। अकेले ही कई वर्षों तक वह समय बिताता रहा। इतने समय तक कोई भी वापस अपने देश लौटने की उम्मीद छोड़ सकता था, परंतु क्रूसो ने अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोया। इसके कारण ही वह 28 वर्षों बाद अपना देश पहुँच सका। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें भाषा अध्ययन का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर में नीचे दिए गए शब्द युग्मों में अंतर वाक्य बनाकर स्पष्ट करो। यहाँ पे इस प्रकार के वाक्य बनाने हैं, पता चल जाए कि ये शब्द किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। अनुमति, पिता ने पुत्र को बाजार जाने की अनुमति दी। आज्ञा, राजा ने सैनिकों को आक्रमण करने की आज्ञा दी। पहाड़, पहाड़ से कई नदियाँ निकलती हैं। पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र में लोग छुट्टियाँ बिताने जाते हैं। शांत, समस्या टलने पर रमेश का मन शांत हुआ। शांति, सभी छात्र शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे थे। श्रम, श्रम ही जीवन का आधार है। विश्राम, विश्राम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे विलोम शब्द लिखने के लिए कहा गया है, चेतन का जड़, धनी का निर्धन, शीघ्र का विलम्ब, तीव्र का मंद, गोरा का काला, निश्चय का अनिश्चय। क्वेश्चन नंबर 3, एक वचन रूप लिखने के लिए कहा गया है, यात्राओं का यात्रा, यात्रियों के यात्री, कठिनाइयाँ का कठिनाई, लहरें का लहर, द्वीपों का द्वीप, आँखें का आँख। और क्वेश्चन नंबर 4, बहुवचन रूप लिखने के लिए कहा गया है, हथौड़ी का हथौड़ियाँ, समुद्र का समुद्रों, वस्त्र का वस्त्रों, तारीख का तारीखों, विचार का विचारों। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।